Good morning, my dear students. So today we'll learn GK subject. In GK, today we'll start a new chapter, chapter number 6. The name of our chapter is Person Associated With. Okay. So यहाँ पे आपको थोड़े person के name दिए हैं और वो जिससे related है वो field का name यहाँ पे दिया है. So first we'll read and then we'll match the following. Match the skill और प्रोफेशन फॉर विच दिस पीपल आर फेमस. ओके, सो यहाँ पे आपको स्किल या तो प्रोफेशन के साथ पर्टिकुलर पीपल को, फेमस पीपल को मैच करना है. नाउ फर्स्ट विल रीड बोथ द कॉलम. ओके, सी हियर मोहम्मद अली, अमित त्रिपाठी, मैडोना, मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, नेहा कक्कर. नेक्स्ट 8 नंबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रतन टाटा, बराक ओबामा, विश्वनाथन आनंद, कल्पना चावला, रोजर फेडरेट, साइना नेहवाल, चार्ल्स बेवेज, दीपा कर्माकर, आर के लक्ष्मण. ओके, सो यहाँ पे जो नेम है वो सारे पर्सन पीपल के नेम दिए हैं. नाउ नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है, यहाँ पे उनके स्किल या प्रोफेशन दोनों मिक्स दिया है. ओके, सो फर्स्ट ईयर चेस, टेनिस, पॉलिटिशियन, क्रिकेट, बॉक्सिंग, जिमनास्टिक, कंप्यूटर, पीस एंड चैरिटी, पॉप म्यूजिक, कार्टूनिस्ट. नेक्स्ट सी हियर प्लेबैक सिंगिंग, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टिंग, ऑथर, एस्ट्रोनट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन. ओके, सो ये सारा रीडिंग मैंने इसीलिए किया कि आप जब रीड करते हो आपको प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक ना हो. नाउ आपको किसके साथ मैच करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. फर्स्ट मोहम्मद अली. सो मोहम्मद अली जो है वो फेमस है बॉक्सिंग के लिए. ओके, सो फर्स्ट में आपको मैच करना है ऑप्शन ई के साथ. फर्स्ट मैच करोगे ऑप्शन ई. नेक्स्ट वन अमित त्रिपाठी. सो अमित त्रिपाठी जो है वो फेमस है एक ऑथर. ओके, उनको एक फेमस ऑथर बोला जाता है. सो वो आपको मैच करना है ऑप्शन एन के साथ. नेक्स्ट वन मैडोना. ओके, सो मैडोना जो है वो किसके लिए फेमस है. सो वो पॉप म्यूजिक के लिए फेमस है. सो यहाँ पे आपको आई के साथ मैच करना है. मैडोना आई के साथ मैच करोगे. नेक्स्ट वन मदर टेरेसा. ओके, सो मदर टेरेसा हमें पता है कि वो अपने पीस एंड चैरिटी के लिए फेमस है. सो यहाँ पे आपको एच ऑप्शन के साथ मैच करना है. नेक्स्ट वन सचिन अमिताभ बच्चन. सो अमिताभ बच्चन जो है वो किसके लिए फेमस है. सो वो अपने एक्टिंग के लिए फेमस है. सो हियर ऑप्शन एम के साथ मैच करोगे. नेक्स्ट वन सचिन तेंदुलकर. तो ये तो सबको पता होगा. हियर राइट ऑप्शन इज डी क्रिकेट. ओके, नेक्स्ट वन नेहा कक्कर. नेहा कक्कर जो है वो किसके लिए फेमस है. सो प्लेबैक सिंगिंग. ओके, सो हियर यू हैव टू ज्वाइन विथ ऑप्शन के. नेक्स्ट वन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल के लिए फेमस है. ओके, सो हियर यू हैव टू ज्वाइन विथ ऑप्शन पी. नेक्स्ट वन रतन टाटा. सो रतन टाटा जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है. ओके, सो यहाँ पे आपको मैच करना है ऑप्शन एल के साथ. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन एल. ओके, नाउ नेक्स्ट सी टेन नंबर हियर बराक ओबामा. ओके, सो बराक ओबामा किसके लिए फेमस है. सो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन विश्वनाथन आनंद. विश्वनाथन आनंद जो है वो किसके लिए फेमस है ये तो सबको पता भी होना चाहिए. सो वो चेस गेम के लिए फेमस है. सो हियर यू हैव टू ज्वाइन विथ ऑप्शन ए. नेक्स्ट कल्पना चावला. सो कल्पना चावला जो है वो एक एस्ट्रोनट है. ओके, सो हियर यू हैव टू मैच विथ ऑप्शन ओ. नेक्स्ट वन रोजर फेडरेट. सो रोजर फेडरेट जो पर्सन है वो टेनिस के लिए फेमस है. सो हियर यू हैव टू ज्वाइन विथ ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन साइना नेहवाल. सो साइना नेहवाल है ये भी सबको पता होना चाहिए. वो बैडमिंटन गेम के लिए फेमस है. सो हियर यू हैव टू ज्वाइन विथ ऑप्शन क्यू.
नेक्स्ट वन चार्ल्स बैबेज. चार्ल्स बैबेज जो है, अभी आप जो लोग कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ करते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स बैबेज जो है वो कंप्यूटर के साथ रिलेटेड है. नेक्स्ट दीपा कर्माकर. सो दीपा कर्माकर वो एक फेमस जिमनास्टिक है. ओके, सो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है ऑप्शन एफ के साथ. आर के लक्ष्मण. आर के लक्ष्मण जो है वो फेमस कार्टूनिस्ट है, उसका जो कार्टून है वो बहुत ही फेमस है. सो हियर यू हैव टू ज्वाइन विथ ऑप्शन जी. ओके, सो मैंने आपको आंसर बताया है, ऑप्शन भी लिख के बताया है. आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से ऑप्शन लिख के भी कर सकते हो. लाइन बनाने के बदले आप इस तरीके से ऑप्शन लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा.